अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 4 नवंबर 2019 के बड़ी अपडेट देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि क्या डीएलएड और बीएड के 2019 के छात्र आवेदन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों जो इस साल अभी बच्चों ने एडमिशन लिया है, क्या वो बच्चे एलिजिबल है, वो बच्चे योग्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो शिक्षक भर्ती आएगी उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए कुछ बच्चे होते हैं एडवांस में उसकी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो वो उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट में पासिंग मार्क कितना है, काफी बच्चों का ये भी सवाल आया। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आवेदन करते समय अगर गलती हो चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भगवान नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन अगर आपने गलती कर दिया, एक स्पेलिंग के नाम में भी मिस्टेक, मतलब दोस्तों बड़ी गलती होगी। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत होगी तो एक बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। वो आपके माता या पिता का नाम गलत हुआ तो एक बड़ी गलती हो सकती है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, उसके बाद आपने जो इंटर हाई स्कूल ये सबका मांगा गया ब्यौरा, उसमें गलती की तो एक बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों एक लिंक दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स रहेगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां के थ्रू आप सीधे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, विद इन मिनट। और दोस्तों आपको एक और बात हम बता देना चाहते हैं, वेबसाइट बिल्कुल हलवा चल रही, बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। रीजन दोस्तों क्या, वो यूपी डीएलएड की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो दोस्तों यूपी डीएलएड की वेबसाइट ने इस बार जलवा बिखेर रहे हैं। मतलब पिछले सालों में दोस्तों क्या होता था कि साइट डाउन होती थी, लेकिन दोस्तों इस बार जो आपका फॉर्मेट बना के तैयार किया गया है ना, बहुत अलग अलग। पहला है रजिस्ट्रेशन दोस्तों, क्योंकि पहला क्या होता था पता है, एक ही में लगभग आपका आधे से ज्यादा फॉर्म होता था। जब पूरा फॉर्म लगभग एक ही में होगा तो उसमें तो दिक्कतें होंगी ना। तो इस बार दोस्तों कोई बच्चे पहले पर काम कर रहे, किसी में दूसरे पर कोई बच्चा पेमेंट कर रहा, कोई कहाँ है कोई कहाँ। इसलिए दोस्तों वेबसाइट अभी तक बहुत ही अच्छी चल रही है। उसके बाद दोस्तों आपको बता देते, जब शिक्षक भर्ती में अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके पास कुछ काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको देखिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए खबर है, ये आने वाले टाइम में आप दोस्तों इससे होकर गुजरेंगे, तो ये सब बातें आपको भी पता होनी चाहिए। कौन सी बात है दोस्तों, कि शिक्षक का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं तो रुकेगा वेतन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना डेटा यहाँ पर नहीं डालते तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, नहीं ले सकेंगे अंतरजनपदीय तबादला प्रक्रिया, जिले जहां 60% से कम हुआ सत्यापन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक परिषदीय स्कूलों को मिल जाएंगे टैबलेट, तब देनी होगी अनिवार्य रूप से सेल्फी से हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बड़ी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन 1,24,000 शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में बनेगा याची। तो दोस्तों अगर जो बच्चे नए और वो शिक्षा मित्रों को नहीं जानते तो उनको जानना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो नए एडमिशन ले रखे उनको उन्होंने सुना होगा कि कुछ बड़ी वैकेंसी यूपी में आती है। तो हमने बच्चों से बात की, कहा कि यार टीचर के लिए तो बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों अगर आप शिक्षा मित्रों को नहीं जानते तो बड़ी बात है। आपको बता दें, आपने दो बड़ी चर्चित वैकेंसी के नाम सुना होगा, 68,500 और 69,000। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ये शिक्षक भर्ती आई थी ये एक आपका शिक्षा मित्रों का समायोजन था। मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ, कि ये दोस्तों यहाँ पर 500 वैकेंसी अलग आई थी, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी आपके 68,500 ही थी, लेकिन सरकार ने 500 वैकेंसी अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो ये बन गई 69,000। तो मतलब दो वैकेंसी 68,500 आनी थी, समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफी जरूरी चीज है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तब तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या बीएड का कोर्स कर रहे हैं या आप कर चुके हैं। देखिए दोस्तों हुआ क्या था, आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उस समय दोस्तों कुछ साल पहले आपके 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी गई थी, ठीक है, 1,37,000 शिक्षा मित्र जो नौकरी कर रहे थे उन्हें अचानक से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उन्हें नौकरी करते समय निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों वही वैकेंसी बनी और उसको दोस्तों दो भागों में कराया गया। पहले भाग का नाम था 68,500, दूसरे भाग का नाम था 69,000, जिसमें सरकार ने हमने बोला दोस्तों 500 वैकेंसी अपनी तरफ से ऐड कर दी। तो आपके मन में यही सवाल आता है यार कि यूपी में जो वैकेंसी आती है टीचर्स को लेकर वो बहुत बड़ी बड़ी आती है। अगर दोस्तों आप यही बात सोचिए, अगर आप इस समय यूपी में लाखों टीचर काम करें, अगर हम 1,00,000 टीचर को कल हम बोले कि नहीं भाई आपको नौकरी नहीं करना, उनको नौकरी से निकाल देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम 1,00,000 वैकेंसी ले आते हैं,
तो आप ही सोचिए दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी होगी कि क्या होगी। तो ऐसी कुछ वैकेंसियां आई हैं जो आपके मन में चलता होगा, डाउट्स में चलता होगा, यार कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है कहाँ से यूपी में। तो जो टीचर्स काम करते हैं उन्हीं को निकाल कर दूसरी वैकेंसी खड़ी कर दी जाती है। तो यही सब चीजें दोस्तों, ये बातें अगर आपको नहीं पता तो फिर आप एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये अगर कभी किसी टीचर्स को निकाला जाएगा तो हो सकता है कि वैकेंसी आ सकती है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे नए शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या और आपको बता दें, 68,500 में लगभग अभी 23,000 सीटें रिक्त हैं। ठीक है, 23,000 सीटों पर मतलब अभी बच्चों ने नौकरी नहीं पाई, तो मतलब 23,000 सीटें हैं जिस पर आपको नौकरी दी जा सकती है। तो एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि यार इस 23,000 सीटों पर वैकेंसी जल्द से जल्द आ सकती है, लेकिन दोस्तों ये मामला भी आपका कोर्ट में चल रहा है। जब मामला आपका ये कोर्ट से फाइनल होगा तो यही दोस्तों आपका एक वैकेंसी बनकर आपके सामने आ सकता है। तो काफी क्राइटेरिया होंगे, क्योंकि ये दोस्तों जो ये 23,000 वैकेंसी होगी वो एक शिक्षा मित्रों की है, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को हो सकता है फिर से एडवांटेज दिया जाए और उनको 25 अंक का एक्स्ट्रा भार अंक मिलता है। ठीक है, शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का एक्स्ट्रा भार अंक, ये 25 नंबर है दोस्तों, जो ये आप 25 देख रहे हैं, 25 अंक आपका गुणांक बनता है, ना कि आपके नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपने यूपी टेट में 100 नंबर पाया तो 100 का 1/4 हमें नंबर चाहिए, तो दोस्तों ये 25 आया ना, ये आपका गुणांक बना। 25 गुणांक है, 100 नंबर आपके गुणांक नहीं है, 25 गुणांक है। तो दोस्तों ऐसा ही वाला गुणांक शिक्षा मित्रों को फ्री में दिया जाता है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो आपका कंपटीशन होगा वो बहुत ही टाइट होगा, तो आप लोग अभी से जितनी अच्छी हो सके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नई शिक्षक भर्ती दोस्तों आएगी जरूर, लेकिन उसमें जो रूल्स और नियम होते हैं ना वो बहुत ही कठिन होते हैं, आपका यूपी टेट जैसा दोस्तों वो आसान नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि यार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि हमें तैयारी किस लेवल पर करना है। अगर आप लोग अपने जिले में जहां पर रहते हैं वहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन यूपी के हर एक जिले के छात्रों से है। अगर दोस्तों आप प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, ये मतलब मत सोचिए कि हम प्रयागराज में समय यूपी के, भाई इलाहाबाद आपका पता है ना तैयारियों का गढ़ है, वहां पर तो बहुत बच्चे आते हैं, कोचिंग सेंटर्स काफी हैं। दोस्तों हमेशा भीड़ के साथ मत चलिए, भीड़ से अलग होने का हिस्सा बनिए। आपको तो पता है ना भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग चलना अलग बात होती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, कंपटीशन अलग है, टफ हो रहा है। अगर आप एक कोचिंग में बैठते हैं, अगर आपने एक चीज समझ लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर होता क्या है। अगर आपकी कोचिंग में दोस्तों आपको लगता है कि हम इंडिया के नंबर वन कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपकी कोचिंग में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर दोस्तों कोई टीचर कोई चीज पढ़ाता है तो वो 1,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, तो मतलब साफ है कि वो 1,000 बच्चों को, जो भी वो नोट्स बनती है आपकी कोचिंग की, वो 1,000 बच्चों के पास पहुंच रही है। वो 1,000 बच्चे सबके अगर 5-5 दोस्त हुए दोस्तों, तो वो 5,000 लोगों तक तो नोट्स आपके पहुंच जाएगी, 5,000 दोस्तों के दोस्त और ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी बच्चे ने वो नोट्स तैयार कर लिया तो सभी के नंबर भी सेम आएंगे। अगर उस नोट से दोस्तों 90 नंबर का फंस रहा है तो 90 नंबर सबके आ जाएंगे, तो उसमें आगे कौन बढ़ेगा। अब ये समझिए आप लोग, बस इस बात को समझिए, जो बच्चों ने एक्स्ट्रा मेहनत कर रखी होगी वही बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर आपने सिर्फ नोट्स के सहारे थे, ठीक है ना, तो आपके तो 90 ही नंबर बनेंगे। जो बच्चों ने अलग से तैयारी करी वो 90 से अपने नंबर को 120 में लेके जाएंगे। तो यही बात दोस्तों कहने की है कि होता है ना, कुछ बच्चे यही सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर गूगल पर आके कि बेस्ट नोट्स। दोस्तों बेस्ट के पीछे मत पड़िए, खुद से नोट्स बना लीजिए। देखिए अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। देखिए जो चीज आप इंटरनेट पर पा जाते हैं, ठीक है ना, वो तो सबके पास पहुंचती है, वो आप अकेले नहीं पाते, वो सभी बच्चे पढ़ते हैं। अगर सभी बच्चों ने सिर्फ उतनी ही मेहनत की जितना वो नोट्स में मिला, तो दोस्तों आपने मेहनत फिर तो कुछ नहीं की। इस बात को भी समझिए दोस्तों, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती आने वाले टाइम में बहुत ही टफ होगी। जिन बच्चों को लगता है नहीं यार हम आसानी से नौकरी पा जाएंगे, वो दोस्तों गलतफहमी में है। जब 10 लाख बच्चे होते हैं ना, तो 10 लाख में जब 10,000 सीट्स होती है, तो 10,000 यूनिक बच्चे नौकरी पाते हैं, आसानी से नहीं पाते। देखिए आप लोग को आरक्षण मिलता जरूर है, लेकिन दोस्तों आरक्षण का फायदा भी वही बच्चे उठा पाते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। चलिए दोस्तों वो सब बाद में बातें होंगी, लेकिन अब बात होगी आपकी यूपी टेट में पासिंग मार्क कितने हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपल से समझ लीजिए, 82 नंबर आपके आरक्षित वर्गों के लिए। जैसे आपका ओबीसी कैटेगरी से आते हैं आप तो 82 नंबर ले आइए, एससी से आते हैं तो भी 82 लाइए, एसटी से आते हैं तो भी 82 लाइए। अगर आप 90 ला रहे हैं, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से आ गए हैं, भाई जो भी आप कहें कि आपकी किस्मत खराब है जो भी कहिए, तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। जी दोस्तों जनरल के बच्चे ऐसे तो बहुत मजे लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, सबसे ज्यादा बच्चे यही रोते हैं कि सर हमारे 89 नंबर आए, बताइए हम फेल हो गए, मेरे दोस्त के 82 नंबर आए वो पास हो गया। 89 नंबर दोस्तों जनरल कैटेगरी का बच्चा लाकर फेल हो जाता है,
और 82 नंबर अदर कैटेगरी का बच्चा लाके पास होता है। तो ये सब बातें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कैसे करें। अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको रिसोर्सेस या कुछ तैयारी करने के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। सिर्फ आप एक किताब के भरोसे मत रहिए, यूपी टेट की भी तैयारी करें दोस्तों। सेम कंडीशन हम यही बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हम कोचिंग के दम पर तीर मार देंगे, तो दोस्तों आप एक गलत फहमी में हैं। क्योंकि कोचिंग के दम पर आप तीर नहीं मार सकते, एक लिमिटेड स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वही चीज हर एक बच्चा पढ़ रहा है, आपका दोस्त पढ़ रहा है, आपके पूरी कोचिंग सेंटर पढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनमें हमें नंबर वन बनना है, तो दोस्तों अगर आपको नंबर वन बनना है, तो कुछ नंबर वन वाली बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप एक बुक से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे एक बुक से लगता है कि यार एक बुक खरीद लिया, अब हम तीर मार देंगे। कुछ बच्चे अगर एक कोचिंग में नाम लिखा लेते हैं, लगता है कि अब हम तीर मार देंगे। कुछ बच्चे दोस्तों इंटरनेट पर कोई एक बुक पा जाते हैं या कुछ पीडीएफ फाइल पा जाएगा, उनको लगेगा नहीं यार सारे क्वेश्चन इसी में से आएगा। देखिए कोई पेपर लीक थोड़ी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। और जो बच्चा दोस्तों ये हर एक स्ट्रेटजी अपनाता है, ठीक है, वो बुक से भी पढ़ेगा, कोचिंग से भी पढ़ेगा, पीडीएफ फाइल भी लेगा और इंटरनेट पर वीडियोस भी देखेगा, वो बच्चा आगे जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के सोचेंगे हम टॉप मारेंगे, नहीं हो पाएगा, सिर्फ पीडीएफ से नहीं हो पाएगा, सब कुछ मिलकर आपको करना है। अब बात आती है कोचिंग करना जरूरी है या नहीं। देखिए दोस्तों यूपी टेट में फिलहाल कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हाँ, अगर आपके मैथ कमजोर है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो बिना कोचिंग के नहीं आती। तो सिर्फ मैथ के बच्चे कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो रट्टा मार है, रट्टा मारिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों देखिए, आने वाले टाइम में आप लोग को टैबलेट वैबलेट भी मिलेगा, जब नौकरी लग जाएगी ना तो आप लोग को टैबलेट मिलेगा, क्योंकि आपको सेल्फी वेल्फी भेजने वाली पड़ेगी, ठीक है। देखिए सेल्फी भेजने वालों की संख्या घट गई। प्रेडा ऐप लागू होने पर जिले के 136 स्कूलों के हेडमास्टर सेल्फी से हाजिरी लगा रहे थे, मगर शिक्षक संघ के विरोध के चलते यह संख्या घटकर एक स्कूल पर आ गई है। लालगंज ब्लॉक का एकमात्र स्कूल है जहां से प्रतिदिन सेल्फी आ रही है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि भाई सेल्फी एल्फी वाली बात भी चल रही है इस समय, कि सेल्फी भेजनी पड़ रही है। और आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन 1,24,000 शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में बनेगा याची। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये सब मैटर हो रहा है। तो इस समय दोस्तों देखिए कंपटीशन और विवाद बहुत बढ़ते जाते हैं। देखिए शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा पता क्या दिक्कत होता है, कोई ना कोई विवाद आ जाता है आपके सामने। चलिए दोस्तों, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो गई होगी, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे डीएलएड के प्रथम ईयर में है या बीएड के अभी उन्होंने एडमिशन ले रखा है, डीएलएड के अगर आप पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में आते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में आ जाते हैं, चतुर्थ में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर यह बोला गया है कि अंतिम वर्ष के बच्चों का आवेदन मान्य होगा, अंतिम वर्ष बोला गया है, अंतिम सेमेस्टर नहीं। तो अंतिम वर्ष में दोस्तों डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर भी आता है, फोर्थ भी आता है, ये बच्चे आवेदन कर पाएंगे। बीएड के भी दोस्तों सेकेंड ईयर के बच्चे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों इस साल अभी 2019 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया वो बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन करते समय दोस्तों अगर आपने गलती कर दी है तो क्या करें, देखिए सिंपल सी बात है, अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया, तो आप दोस्तों दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। और दोबारा से आवेदन करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो अपना फोन नंबर देते हैं मोबाइल नंबर, वो चेंज कर दीजिएगा। अगर आपने अपना दिया तो अपने पापा का नंबर डाल दीजिए, अपने भाई का नंबर डाल दीजिए, और ईमेल आईडी भी दोस्तों अगर आपने अपनी दे रखी तो अपने भाई की या किसी की भी दोस्तों ईमेल आईडी अपना यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चेंजेस करके आप लोग दोबारा से आवेदन कर पाएंगे। और जरूरी चीज है दोस्तों दोबारा से आवेदन करना अगर गलती हुई तो ये खबर दोस्तों अपने दोस्तों से दे दीजिएगा कि अगर शिक्षक का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं तो रुक जाएगा वेतन। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जो आपके शिक्षक विक्षक बन चुके हैं, कि कह दीजिए भाई अपनी डाटा सारा जो है ना वो अपडेट कर दें यहाँ पर, नहीं तो आपका सैलरी वैलरी नहीं आएगी। अपडेट कहाँ का करना होगा दोस्तों, ehs.uphdc.government.in पर बेसिक शिक्षा विभाग में काम कर रहे अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का ब्यौरा अपलोड किया जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अपलोड करवा दीजिए, नहीं तो भाई सैलरी वैलरी रुक जाएगी, तो हमसे मत कहिएगा कि सैलरी नहीं आ रही हमारी। तो बता दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है ना। तो नए शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों आपको जो तैयारी करना है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी इस वीडियो से, यूपी टेट में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें नंबर लाना है, ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि नहीं हम 120 से ज्यादा नंबर लाएंगे, 140 प्लस लाएंगे, तो दोस्तों 140 प्लस लाने के लिए आपको समझ गए ना क्या करना है। पहली बात, एक बुक से नहीं पढ़ेंगे, मतलब मल्टीपल बुक्स का यूज करेंगे, ठीक है, मल्टीपल बुक्स। दूसरी बात दोस्तों, कोचिंग अगर जाते हैं, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो कोचिंग जाइए दोस्तों, कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ मैथ की पढ़िए वहां पर, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़िए, बाकी की छोड़िए, बाकी आप ज्यादा अच्छे से रट्टा मार सकते हैं।
ठीक है, एक सब्जेक्ट की आपको कोचिंग करनी है, अगर करनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक बुक से और एक कोचिंग से। आप पीडीएफ का अगर दोस्तों आप सहारा लेते हैं कि ऑनलाइन पीडीएफ आप बहुत लोग डाउनलोड करते हैं, डिमांड्स होती है, तो सिर्फ आप पीडीएफ के भरोसे नहीं, पीडीएफ पढ़ेंगे लेकिन किताब भी पढ़ेंगे, कोचिंग भी जाएंगे, मैथ की ले रहे तो करिए। और उसके बाद दोस्तों यूट्यूब पर जो वीडियोस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यूट्यूब पर वीडियोस। तो दोस्तों यूट्यूब की वीडियोस में होता क्या है, मैथमेटिक्स अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है आपके पास घर बैठे दोस्तों, क्योंकि आपका कोचिंग जाने का समय बचता है पहली बात, ठीक है ना। अगर आप कोचिंग जाते हो तो समय भी तो लगता है ना आने जाने का। और दोस्तों यूट्यूब पर आप होता क्या ना, जो बच्चे बहुत डरते हैं आने वाले टाइम में, दोस्तों सभी बच्चे डरते थे पहले वाले टाइम में कि यार टीचर से नहीं पूछ पाते, लेकिन दोस्तों वही बच्चे यूट्यूब पर आके उनको ताकत मिलती है और वो कमेंट जरूर करते हैं, तो दोस्तों उनका वही एक कमेंट उनके लिए काफी हितकर होता है। आप कोचिंग में जाते हैं दोस्तों 100 बच्चे बैठे होते हैं और आपको डर लगता है यार कि कैसे पूछे, नहीं समझ में आता, तब भी बच्चे नहीं पूछते, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर हर एक बच्चा पूछ लेता है, तो ये फायदा मिलता है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो से बस आप इतना समझना है कि अगर आप एक अच्छा टारगेट स्कोर चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा नंबर ज्यादा चाहिए, तो आप किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, कि कोचिंग वाला दोस्तों आपको घूर के नहीं पिला देता है कि आप कितने नंबर आएंगे, चाहे आप इलाहाबाद में कर रहे हो चाहे दिल्ली से कर रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता दें ये वीडियो आपकी फिलहाल दिल्ली से बन रही, न्यू दिल्ली इंडिया से। तो दोस्तों हम लोग भी दिल्ली से ही काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हमें हर जिलों की दोस्तों पूरी खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी न्यू दिल्ली इंडिया से बन रही है, तो दोस्तों हम लोग पास भी हर जगह की अपडेट रहती है क्योंकि हमसे हर जगह से बच्चे जुड़ते हैं, तो आप लोग को दोस्तों हर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलेंगे, वीडियोस काफी बड़ी होगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।